वेलकम बैक टू माय चैनल हम कनाडा की बातें करते रहते हैं लेकिन आपको बता दूं आज यहाँ पर बहुत ठंडा था और जो कनाडा की कैपिटल है ऑटवा वहां पर मॉर्निंग में टेम्परेचर जो था माइनस थर्टी नाइन था और सारी वार्निंग्स थी कि आप जैसे ही बाहर निकलें तो जल्दी आ जाएं ज्यादा टाइम बाहर ना रहे और ये सारी बातें वो सुबह वार्निंग में थी तो कैनेडा में जब कभी फेबर आता है तो सबसे ठंडा मंथ है बल्कि के एंड ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो जाता है और फेब्रवरी बहुत ठंडा रहता है बल्कि हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है बल्कि हमारे यहाँ जो है फेबर जब आने लगता है तो ठंड जो है धीरे धीरे कम होने लगती है तो यहाँ पर आप हमेशा याद रखिए फेबर में सबसे ज्यादा ठंड होती है इसलिए जो है उसके लिए तैयार रहिएगा और क्या बातें चल रही आजकल कैनेडा में एक और जो खास न्यूज है, जो खास न्यूज़ है है आजकल बहुत बहुत चल रही है, वो पीआर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और एक्सप्रेस एंट्री के अंदर बहुत चेंजेस आने वाले हैं और जो ऑलरेडी चल रहा है वो तो हो ही रहा है एक्सप्रेस एंट्री के लिए जो चेंजेस आने वाले हैं नया बिल जो आया है उसमें क्या क्या चेंज आएगा और क्या क्या होगा वो मैं आपसे एटलीस्ट शेयर करती रहू तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर अगर आप पी आर पर आ रहे हैं स्टूडेंट भी हैं या आप कोई पास वर्क परमिट है तो उसमें क्या चेंज आने वाला है और ये जल्दी आने वाला है शायद सुना है कि स्प्रिंग में आएगा तो ये सारी बातें आप तैयार हो जाएं और मेंटली प्रिपेयर हो जाएं और मालूम हो जाएगा आपको कि ये सारे चेंजेस अब इस पीआर में आने वाले हैं ये सारे चेंजेस की बात आपको समझ आ जाएगी अगर आप पीआर अप्लाई कर रहे हो या एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो आपको ये सारी बातें मालूम हो जाएंगी पहले से ही कि ये सारे चेंजेस आने वाले हैं एक्सप्रेस एंट्री के लिए तो आप प्रिपेयर हो जाएंगे कि आप अपना सारा देख सकते हैं कि किन किन लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी अभी जो एक्सप्रेस एंट्री का ड्रा हुआ था उसका स्कोर तो बहुत हाई गया था और वो स्कोर लाना इतना आसान नहीं है उसका स्कोर जो था वो 507 था अगर आप यहाँ पढ़ भी रहे हो मास्टर्स भी कर रहे हो डिग्री भी ले रहे हो तो उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं तो उतने पॉइंट्स तो लाना बहुत मुश्किल हो जाता है तो वो फाइव गया था और जो आप यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं जो लाते हैं स्कोर ज्यादा से ज्यादा एक मेरी फ्रेंड है उनका स्कोर उन्होंने ट्राई किया था मास्टर्स किया था यहाँ से ही तो इनका स्कोर जो था वो फोर 50 गया था तो वो 507 स्कोर लाना बहुत मुश्किल है तो इसलिए नया बिल आ रहा है C19. बिल तो आ गया है लेकिन इम्प्लीमेंट जो होगा वो सुना है कि स्प्रिंग तक होगा वो है बिल C19. और उसके क्या क्या फायदे होंगे वो उन्होंने डिस्कस कर लिया है सारा आ गया है न्यूज में तो हम आपको पहले से ही बता देंगे कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स बेनिफिट ये है कि कैनेडा में कौन से ऑक्यूपेशन सबसे ज्यादा डिमांड में है तो उन लोगों को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी और उसके भी वो पॉइंट्स होंगे ज्यादा जो जो ऑक्युपेशन इनको चाहिए है या बहुत डिमांड में है तो ये बहुत सारे लोगों को इस तरह से फायदा करेगा अगर आप प्रोफेशन में है तो आपका इससे फायदा होगा और आपको उसमें थोड़े स्कोर भी ज्यादा होगा और आपको प्रेफर किया जाएगा यहां पर पीआर के अंदर अगर आप उस टारगेटेड ऑकुपेन में आते हैं तो आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और इस बिल में वो कौन कौन से ऑक्यूपेशन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी पूरी लिस्ट है और हो सकता है कि वो जब तक इम्पलीमेंट हो तो और चेंजेस आ जाए उस लिस्ट के अंदर लेकिन अभी ये लिस्ट के अंदर ये ये कैटेगरीज ऑक्यूपेशन की जो बहुत डिमांड में है वो उन्होंने रिलीज कर दी है तक तो जो एक्सप्रेस एंट्री थी उसमें तीन कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया गया था जैसे फर्स्ट जो थी फेडरल स्किल वर्कर

ये जो तीन कैटेगरीज के बाद इसमें ज्यादा स्कोर करते थे आपको बुलाया जाता था जैसे अभी जो स्कोर किया गया तो फाइव हंड्रेड सेवन थे तो बहुत सारे लोग इसमें मिस कर जाते थे इतना स्कोर नहीं कर पाते थे तो अब कैंडिडेट गवर्नमेंट ने सोचा है कि जो हमें जिन लोगों की जरूरत है जिन ऑक्यूपेशन में लोगों की जरूरत है जो टारगेटेड हमारा ऑक्यूपेशन है अगर हम उन लोगों को बुलाएं और उनके बीच में एक्सप्रेस एंट्री और उस पर पॉइंट्स बढ़ाएं तो वो लोग हमारे काम भी आएंगे क्योंकि हमें स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है यहाँ पर बहुत ज्यादा आजकल डिमांड है स्किल्ड वर्कर्स की तो ये सारी चीजें ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था और ये पास भी हो गया है अब ये है खाली इम्प्लीमेंट होना है जो कि सुना है आप यहाँ पर जो है स्प्रिंग स्टार्ट हो जाता है मार्च से और चलता रहता है टिल मे तक तो वो जब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा लेकिन सारी जो बातें हैं वो ऑलरेडी हो गई हैं सब डिसाइड हो गया है आप इसके लिए एंटाइटल भी करते हैं और यहाँ आना आपके लिए इजी हो जाएगा और हम ये चाहते रहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आए पी उनको मिले और जिनको आना है वो इजी रहे यहाँ कैनेडा आना मैं बात करूंगी डिटेल में कि सी बिल के अंदर कि और कौन कौन सी कैटेगरीज को उन्होंने प्रेफरेंस दी है और कौन कौन लोग यहाँ पर आ सकते हैं उनके पॉइंट्स उससे ज्यादा होंगे तो सबसे पहला जो कैटेगरी है ये जो एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ होगा उसमें उन्होंने प्रेफरेंस दी है आपका ऑक्यूपेशन और आपका एक्सपीरियंस और इसके अंदर ये लोग टारगेटेड होंगे इस ड्रॉ के अंदर और उनको उसमें ज्यादा पॉइंट्स दिए जाएंगे तो एक के बाद आपको एक बता रही हूँ कि इसमें कौन कौन से लोग जो हैं वो टारगेटेड प्रोफेशन हैं उनको जो यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी मैंने ये स्क्रीन शॉट लगाया और ये इतना क्लियर नहीं है लेकिन आपको मैं पढ़ के एक एक करके सुना देती हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली है क्या ये फूड सर्विस सुपरवाइजर्स एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स फाइनेंशियल ऑडिटर्स एंड अकाउंटेंट्स रिटेल सेल्स सुपरवाइजर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड डिज़ाइनर्स प्रोफेशनल इन एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशन कुक्स कंप्यूटर प्रोग्रामर एंड इंटरेक्टिव मीडिया डेवलपर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स analysts एंड कंसल्टेंट्स यूजर सपोर्ट टेक्नीशियंस रेस्टोरेंट एंड फूड सर्विस मैनेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ये लिस्ट आपको कनाडा की इमिग्रेशन साइट पे भी मिल जाएगी 2019 से एनालाइज करना शुरू कर दिया था 2019 से 2021 तक कि कौन कौन से प्रोफेशन या कौन कौन से ऑक्यूपेशन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर उनकी डिमांड है और वो आगे तक होती रहेगी और लोगों को इस ऑक्यूपेशन के अंदर यहाँ पर पीआर में बुलाना बहुत ज़रूरी है ये जो मैंने अभी ऑक्युपेशन आपको बताया इनकी बहुत डिमांड है अभी तक तो यही लिस्ट आई है हो सकता है कि जब तक वो इम्प्लीमेंट हो तो कुछ और डिमांड में हो जाए और नेक्स्ट लिस्ट आए और कोई और ऑक्यूपेशन ऐड किए जाए तो हम आपको धीरे धीरे अपडेट करते रहेंगे कि ये ये चेंजेस आए हैं इसके अंदर इसमें जो उन्होंने दूसरी कैटेगरी रखी है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जिनको पी मिलेगा मिलेगा ज्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट जो अपना कम्पलीट कर लेते हैं तो वर्क परमिट लेते हैं और फिर वो यहाँ काम कर रहे होते हैं और जब स्टूडेंट होते हैं तब भी काम करते हैं तो कैनेडा ने उन लोगों को प्रिफर किया है कि उनको पी में हम प्रेफरेंस देंगे क्योंकि ऑलरेडी एम्प्लॉयर को भी पता होता है कि ये वर्क परमिट है वो काम करते हैं और काफी उस फील्ड में सीख जाते हैं और उनको उस फील्ड की एक्सपीरियंस हो जाता है तो उन सारे लोगों को जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे उनको भी कुछ पॉइंट्स होंगे और उनको प्रेफर किया जाएगा यहां पर पी देने के लिए तीसरी हम बात करेंगे टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स की उनको भी प्रेफर किया जाएगा पीआर के लिए क्योंकि वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं कैनेडियन इकोनॉमी को भी हेल्प कर रहे हैं इस बिल के थ्रू उन लोगों को भी प्रेफर किया जाएगा जो टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स हैं कि उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर काम किया है यहाँ की उस टाइम जब स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत है तो उन्होंने इस टाइम और लेबर शॉर्टेज है तो उन्होंने उस टाइम यहाँ पर काम किया तो ऐसे लोगों को भी प्रेफर किया जाएगा कि वो पी के उस कैटेगरी में शामिल किए जाएँ जो आखिरी कैटेगरी है वो फ्रेंकोफोन या बाइलिंगुअल यहाँ पर अगर आपको फ्रेंच आती है तो उसको प्रिफर किया जाता है क्योंकि कनाडा जो कंट्री है वो बाई है यहाँ पर इंग्लिश और फ्रेंच दोनों में काम होता है तो अगर आपको फ्रेंच आती है तो उसमें आपको कुछ पॉइंट्स ऐड किए जाएंगे और अगर जब तक आप यहाँ आ रहे हो जो पी अप्लाई कर रहे हो तो आप उसको फ्रेंच सीख सकते हो उसमें आपके पॉइंट्स बढ़ सकते हैं तो जो लोगों को फ्रेंच आती है या सीख रहे हैं या उनको उसकी कुछ सर्टिफिकेट्स हैं उनके पास प्रॉपर तो उनके भी पॉइंट्स ऐड किए जाएंगे तो ये ये लोग जो है फ्रेंकोफोन या बाइलिंगुअल्स जो है उनको भी प्रेफरेंस दी जाएगी यहाँ पर पीआर के लिए अगर आपको फ्रेंच आती है या आपने फ्रेंच सीखी है तो आपका CRS स्कोर जो है वो बहुत बढ़ जाएगा वो काफी अच्छा रहेगा क्योंकि कनाडा बहुत प्रेफर करता है बाइलिंगुअल लोगों के लिए जिनको फ्रेंच भी आती है तो ये तीनों कैटेगरीज़ की मैंने बात कर ली कि उन लोगों को बहुत प्रेफर किया जाएगा यो जो इन तीन कैटेगरीज़ के, के अंदर होंगे ये सारी कैटेगरीज़ में आपको दोबारा रिवाइज कर देती हूँ थोड़ा सा दोबारा उसके बारे में बता देती हूँ कि इनको प्रिफर किया जाएगा ड्रॉ के लिए और इससे जो है आपका सी स्कोर भी बहुत बढ़ जाएगा तो ये बहुत फ़ायदा होने वाला है उन लोगों के लिए जहाँ पर यहाँ पर लोगों को जिन की ऑक्यूपेशन के अंदर बहुत ज़रूरत है या जो है आप यहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या जो है आप जो है यहाँ पर फॉरेन वर्कर्स हो तो ये सारी बातें आपको आपको दो लोन लैंग्वेज आती है या अगर नहीं आती है तो आपके पास टाइम है तो आप फ्रेंच सीख सकते हो वो भी स्कोर का बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा और आपको बहुत सारे उससे पॉइंट्स मिल सकते ये चीज बहुत नई आई है कि कनाडा में जो डिमांड है उसके हिसाब से अब लोगों को कॉल करेंगे उन टारगेटेड के लिए उन ऑक्यूपेशन के लिए और ये बहुत लंबी लिस्ट है इसके अंदर जो मैंने हमने पहले डिस्कस की है अगर आप उसमें आते हो तो आपके लिए ईजी रहेगा यहाँ आना और स्कोर ज़्यादा और ये जो ड्रॉ होगा उसमें आपका जो पॉइंट्स हैं वो ज्यादा हो जाएंगे तो ये छोटी छोटी जो चेंजेस आए हैं इस बिल के थ्रू और ये अभी इम्प्लीमेंट होगा स्प्रिंग के अंदर तो आपको ये बातें पहले से पता है तो आप प्रिपेयर कर सकते हो और आप इसके इस कैटेगरी में अगर आप हो जो अभी हमने डिस्कस की सारी हमारी यही कोशिश रहती है कि हम कैनेडा के बारे में आपको बताते रहें यहाँ पर क्या हो रहा है और आप जल्दी से जल्दी यहाँ आओ आपको पीआर मिले अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो हम फिर ट्राई करेंगे कुछ नई बातें करेंगे अपने नए वीडियो के अंदर तो हम फिर मिलेंगे बाय